अपने विश्वविद्यालयों में पढ़ते पढ़ाते हुए एक बेहतर क्लासरूम बनाने के लिए लड़ते हैं कि हमारा क्लासरूम इंक्लूसिव हो, हमारा क्लासरूम संवैधानिक मूल्यों पर चले, इंसानियत को केंद्र में रखे। मैं तो लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ, मैं जानता हूँ कि हम कुछ एक चीज़ जिसके लिए पढ़ते पढ़ाते मेहनत करते हैं ना, वो है मानवीय मूल्य, इंसानियत। हम भक्ति मूवमेंट जब पढ़ाते हैं तो बार बार इंसानियत की बात करते हैं, हम जब आधुनिक काल पढ़ाते हैं अपने हिंदी में तो बार बार कहते हैं इंसान बनो, इंसान इंसान में फ़र्क नहीं हो सकता। मगर भारत का संविधान लागू होने के 70 साल बाद, इस देश के आधुनिक राष्ट्र बनने का दावा करने के बाद, केवल मूछ रखने पर एक व्यक्ति को इसलिए मार दिया जाए कि वो दलित है, मूछ नहीं रख सकता, ये इस देश में ना कोई पहली घटना है ना अभी कोई आखिरी घटना है। मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास ये सोचने और इस बात का जवाब नहीं है कि यह देश इस दिशा में अगर जाएगा तो अंततः कहाँ जाएगा। आप किस बात पे बात करते थे कि जाति खत्म हो गई, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाने पर NFS कर रहे हो, जाति खत्म हो गई, JNU में इंटरव्यू में दलित पिछड़े आदिवासियों को एक नंबर दे रहे हो 30 नंबर में, जाति खत्म हो गई है। तुम NFS करके जितने दलित पिछड़े आदिवासी प्रोफेसर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 9 केवल OBC के, जाति खत्म हो गई। जहां रिजर्वेशन नहीं लागू है बताओ कितने जज दलित पिछड़े आदिवासी बने, जाति खत्म हो गई है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जात खत्म हो गई है, उनको यह दृश्य भी देखना चाहिए। और जितेंद्र मेघवाल जैसा एक नौजवान, उसका कोई दोष नहीं, वो मूछ रखना, उसे तो शायद पता भी नहीं रहा होगा कि मूछ रखने पर मेरी हत्या हो जाएगी, लेकिन उन्हें पता था कि मूछ एक दलित नहीं रख सकता। संविधान पर हत्या है, संवैधानिक मूल्यों पर हत्या है, हमारी इंसानियत और नागरिक बोध पर चुनौती है कि हम एक बेहतर नागरिक समाज नहीं बना पाए, हम संवैधानिक मूल्यों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, हम एक फेल सोसाइटी हैं। केवल सरकार नहीं, हम दोषी हैं। समाज क्यों नहीं खड़ा हुआ जितेंद्र मेघवाल के साथ, क्यों नहीं समाज खड़ा हो जाता जब कोई लिंचिंग होती है तो गैर मुस्लिम समाज मुसलमानों के सामने क्यों नहीं खड़ा हो जाता कि हम एक भी व्यक्ति को धर्म के नाम पर लिंचिंग नहीं होने देंगे। दलित मारा जाता है तो गैर दलित क्यों नहीं खड़ा हो जाता, OBC के साथ कोई अन्याय होता है तो गैर OBC क्यों नहीं खड़ा हो जाता, मजदूर किसान मजलूम के साथ अन्याय होता है तो कोई क्यों नहीं खड़ा हो जाता, क्योंकि सबको हमने बांट दिया है। हमको लगता है दलित की लड़ाई दलित लड़ेगा, आदिवासी मारे जा रहे हैं बकसवा के जंगलों में, बस्तर के जंगलों में मारे जा रहे हैं, तमाम जंगलों में लगातार सालों से आंदोलन चल रहा है, और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी की आवाज़ कहाँ है भाई, पसमांदा की आवाज़ कहाँ है, दलित की आवाज़ कहाँ है, पिछड़ा पिछड़े की बात ही कोई नहीं करता और पिछड़ा हिंदू बन जाता है झट से। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ने और पढ़ाने वाला व्यक्ति, मैं यह समझता हूँ कि मेरी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि मेरा समाज अच्छा समाज नहीं बन पाया, मुझे इसकी चिंता है, इसलिए मैं ऐसी हर घटना को एक चुनौती के तौर पर लेता हूँ, जो संविधान के सामने चुनौती है, मानवीय मूल्यों के सामने चुनौती है, हमारे सामने चुनौती है। दुर्भाग्य तो ये है, हत्या तो हुई, अपराध तो हुआ, लेकिन अपराधियों के साथ समाज खड़ा हो जाता है। अरे भाई, इस देश में फूलन देवी की जिसने हत्या की उसके नाम पर फिल्म बनाई जा रही है, ये तो वो देश है, जिस बात पर शर्म करनी चाहिए उस पर आप गर्व करते हैं। 30 साल पहले अगर कश्मीर पंडितों को, एक तो ये बात बताओ कि कश्मीरी जो भगाए गए वो हिंदू थे, पंडित थे, अगर वो पंडित ना होते तो तुम क्या कहते, कश्मीरी दलित, अगर भगाए हो गए होते तुम कहते कश्मीरी आदिवासी, ये बोलते क्या तुम, नहीं बोले ना, क्योंकि तुम आदिवासी जो भगाए जा रहे हैं, जंगलों से मारे जा रहे हैं, आदिवासियों का पलायन हो रहा है, उसमें तुम कहते हो कि झारखंडी आदिवासी, बोलते हो कभी? केवल सांप्रदायिक नफरत फैलाना, जो हुआ कश्मीर में वो गलत हुआ, एक कहीं भी जो अल्पसंख्यक है हम उसके साथ खड़े हैं, अगर कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक थे उनको धर्म के नाम पर मारा और भगाया गया तो हम उसके साथ खड़े हैं कि ये गलत है। आदिवासियों के साथ तुम क्यों नहीं खड़े होते जब उनको आदिवासी के नाम पर मारा जा रहा है, दलित के नाम पर मारा जा रहा है, तो एक फिल्म बनाकर नफरत फैलाई जा रही है, एक पार्टी प्रचार में लग गई है, एक पार्टी सिनेमा हॉल में नारे लग रहे हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के बाद ऐसे आग बबूले हो रहे हैं लोग, भगवा पटका पहन करके पूरी राजनीति बदल दी गई है। आज एक फिल्म क्यों शेर सिंह राणा पर बन रही है, अरे फूलन देवी पर बनाते फिल्म और फिल्म बनाते, और शेर सिंह राणा जो सजा याफ्ता है, जो जेल से भाग गया, वो तुम्हारा गौरव है? तो ये सब कुल मिला के यही कहा जा रहा है, असल में जाति इतनी बड़ी शय है ना कि इस देश में मनुष्य को मनुष्य नहीं होने दे रहा, और एक पार्टी एक विचारधारा लोगों के जहन में इतनी भयानक सांप्रदायिकता, इतनी नफरत, इतना जहर भरती जा रही है कि अब इस देश का बहुत बड़ा तबका अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार नौकरी पर बात ही नहीं कर रहा, उसको राष्ट्र प्रेम चाहिए, उसको देश प्रेम चाहिए, उसको धर्म प्रेम चाहिए, उसको केवल मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरका नहीं है। अरे भाई कहाँ जाओगे, तुम्हारे घर के बच्चों का भविष्य लुट गया,
और तुमको केवल जॉम्बी बना दिया गया, इसलिए ये मुश्किल है। मैं इस बात पर चिंतित हूँ और मैं इस पूरी बातचीत का, इस पूरे प्रकरण की निंदा करता हूँ। लेकिन सर कहा जाता है कि बीजेपी में अत्याचार होते हैं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, क्या सरकारों का कोई फर्क नहीं है? मानसिकता सबकी वही है, सरकारों का रवैया सरकार की तरह ही होता है। जहाँ कांग्रेस गड़बड़ करती है वहाँ हम कांग्रेस से लड़ेंगे, जहाँ बीजेपी गड़बड़ करती है वहाँ बीजेपी से लड़ेंगे। ये नहीं करेंगे कि मोदी से सवाल पूछना तो पहले नेहरू से पूछें। जहाँ जिसकी सरकार है दोषी तो वही है, सिंपल, इतना ही सीधा बात है। नागरिक होने का धर्म ये है कि आप जनता के पक्ष में खड़े हों, सच के पक्ष में खड़े हों, न्याय के पक्ष में खड़े हों। जहाँ भी अन्याय कोई कर रहा है वो आपका प्रतिपक्षी है। अगर वो कांग्रेस कर रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तो सवाल कांग्रेस से पूछा जाएगा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है तो सवाल उनसे पूछा जाएगा, यूपी में होगा तो बीजेपी से पूछा जाएगा, यूपी में कांग्रेस से नहीं पूछेंगे, यूपी में सपा बसपा से जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उससे नहीं पूछेंगे, और दिल्ली में जिसकी सरकार है उससे तो वही पूछा जाएगा। ये कुल मिलाकर 2 अप्रैल आने वाली है, कुछ दलित संगठनों ने कॉल दी है जितेंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए, दिल्ली में भी देश के हर कोने में आंदोलन की बात नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि केवल जितेंद्र मेघवाल नहीं, इस देश में जाति केंद्रित जितने भी अन्याय हो रहे हैं, जहाँ भी लोगों का दमन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उन सब घटनाओं को मिलाकर, आज तो 31 मार्च भी है, आज चंद्रशेखर चंदू मैं उसे भी याद करता हूँ, बाबा साहब को भारत रत्न भी मिला आज के दिन, आज के दिन मैं इस देश के आम आवाम से जो भी संविधान में भरोसा रखते हैं उनसे अपील करता हूँ, 2 अप्रैल को इसलिए भी याद करिए कि 2 अप्रैल के न्याय की लड़ाई में लोग मारे गए, 2 अप्रैल की न्याय की लड़ाई में लोगों के हाथ पर टूटे, मुकदमे हुए, उनको याद करिए। अंततः होता ही है ना कि हम लोग दिल्ली में खड़े होकर के भाषण तो बड़ा अच्छा देते हैं, जमीन पर जो लड़ रहा होता है वो मारा जाता है, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, उसके हाथ पर टूटते हैं, उसका परिवार भी खड़ता है, उन लोगों के न्याय के लिए लोग कहते हैं जाति खत्म हो गई, रिजर्वेशन भी खत्म कर देना। मैंने अभी तो जवाब दे दिया ना कि कहाँ जाति खत्म हो गई, बात रिजर्वेशन की नहीं है, रिजर्वेशन से अब थोड़ी सी सरकारी नौकरी बर्बाद कर देंगे, सरकारी एजुकेशन बर्बाद कर देंगे, आप रिजर्वेशन का लेके क्या करेंगे? इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अगर लड़ना है तो शिक्षा के लिए लड़ें, रोजगार के लिए लड़ें, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें, तभी कुछ बचेगा, वरना आरक्षण तो अब कहीं बचा भी नहीं है। आरक्षण जहाँ जहाँ लागू था वही 2 सेक्टर उन्होंने खत्म कर दिए, शिक्षा को प्राइवेट हाथों बेच दिया नई शिक्षा नीति के नाम पर, वो आज नहीं दिख रहा है तो कुछ दिन बाद दिखेगा, और सरकारी नौकरी अपने आप खत्म होगी, 2 दिन की हड़ताल पूरे देश में हुई है कि भाई सरकारी नौकरी तो 1% भी नहीं बची है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं, तो आरक्षण बचा के आप कहाँ ले जाएंगे? उन्होंने जैसे संविधान लागू है मगर संवैधानिक मूल्यों और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, वैसे ही आरक्षण लागू रहेगा, आरक्षण लागू जहाँ होता है वो जगह ही बर्बाद कर दी जाएगी, अब बचा के क्या करेंगे? इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, संवैधानिक मूल्यों में भरोसा रखने वाले लोगों को आँख खोल करके क्रांति का आगाज करना होगा, अगर क्रांति का आगाज नहीं करेंगे तो आपके पास कोई बचेगा नहीं। धन्यवाद।